तो गाइस क्या लगता है आपको एप्पल आईफोन 15 सीरीज में कितने चांसेस है टच आईडी फीचर मिलने के? या दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि एंड्रॉइड फोन में जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है उसी को जो ना दोस्तों एक तरीके से टच आईडी कहा जाता है एप्पल की लैंग्वेज में। जी हाँ, मतलब एंड्रॉइड में दोस्तों जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का जो फीचर है ये जनरली सारे ही रेंज के डिवाइसेस में आपको मिलेगा, मतलब मिड रेंज से लेके हाई एंड डिवाइसेस तक सब में ही आपको मिलेगा। यहाँ पर गाइस एप्पल ने काफी टाइम पहले इसको अपने फोन में देना डिसकंटिन्यू कर दिया है, खास तौर से जो हाई एंड डिवाइसेस है एप्पल में उसमें कंपनी टच आईडी फीचर नहीं प्रोवाइड करती है, क्योंकि कंपनी ने जो ना दोस्तों अपने हाई एंड डिवाइसेस में फेस आईडी जो ना फीचर देना शुरू किया है। अब यहां पर गाइस देखिए फेस आईडी तो ऑलरेडी 3D स्कैन के साथ में आता है जो कि काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छा फीचर है। जरा सा फोन आप टिल्ट भी करोगे तो आपका फोन जो वो अनलॉक हो जाता है, लेकिन यहां पर दोस्तों बात ये आती है कि फोन को आपको जो ना डायरेक्टली अपने फेस के सामने रखना है तो ही जो ना दोस्तों आपका फोन अनलॉक होगा। लेकिन टच आईडी में ऐसा होता था कि फोन कोई भी पोजीशन में हो आपने थंब स्कैन किया और आपका फोन जो है वो अनलॉक हो जाए। तो गाइस ये एक बेनिफिट जो है ना वो टच आईडी से देखने के लिए मिल सकता है। गाइस देखिए मैं बात तो करूंगा ही टच आईडी से रिलेटेड और सारी चीजें आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मतलब मुझे मालूम है कि आप बिना सब्सक्राइब करे वीडियोस को देखते हो, अगर आप सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखोगे तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा वीडियोस डालने का। और ऑब्वियसली जब वीडियो को लाइक भी कर दोगे तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वीडियो की रैंकिंग अच्छी होती है तो और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल नोटिफिकेशंस को भी प्लीज ऑल पर रख। गाइस देखिए अगर मैं यहाँ पर लीक्स के बारे में बात करूंगा तो आईफोन 15 सीरीज से रिलेटेड हमें काफी सारी लीक्स पता लगी है। ऑब्वियसली इसमें यूएसबी टाइप सी मिल सकता है, इसमें डायनेमिक आइलैंड मिल सकता है, इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा अक्रॉस द लाइन मिल सकता है और बहुत सी सारी चीजें, बहुत से सारे अपग्रेड्स है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो रिसेंट लीक्स निकल के आ रही है वो इसके टच आईडी को है। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे लेजिटमेट लीकर्स है जैसे कि मैक रूमर्स है, ब्लूमबर्ग है, मिंगचूको है, मतलब ये सारे ऐसे लेजिट लीकर्स है जिनसे ऑब्वियसली काफी अच्छी लीक्स आउट हुई है, खास तौर से एप्पल डिवाइसेस को लेके। गाइस ये सारे ही लीकर्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि टच आईडी फीचर हमें एप्पल के डिवाइसेस में वापस से देखने के लिए मिल सकता है, जो कि खास तौर से हाई एंड डिवाइसेस होंगे। अब यहाँ पर गाइस देखिए एक आइडिया अगर हम लगाएंगे क्या ये आईफोन 15 सीरीज में आ सकता है, नहीं दोस्तों, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हमें आईफोन 15 सीरीज में देखने को मिले, क्योंकि उसका एक रीजन तो ये भी है कि आईफोन 15 सीरीज के जो डमी मॉडल्स है वो सब निकल के आ गए और उसमें कहीं भी हमें टच आईडी जो ना वो देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन गाइस यहाँ पर इस चीज को इतना प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है कि भाई यहाँ टच आईडी अब एप्पल फिर से लेके आ रहा है? देखिए दोस्तों मैं एक चीज आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, एप्पल का जो है ना काफी टाइम पहले, मतलब 14 सीरीज जब लॉन्च हो गया था उसके बाद में एप्पल का एक पेटेंट निकल के आया था जहां पर एप्पल टच आईडी प्रोवाइड करने वाला है कंप्लीट डिस्प्ले के अंदर। जी हाँ, मतलब ये एक अलग से कंपोनेंट रहेगा, खाली डिस्प्ले में ऐसा फीचर नहीं रहेगा, बाकायदा अलग से एक टच आईडी का कंपोनेंट रहेगा जो एप्पल अपने फोन्स के डिस्प्ले के अंदर इम्प्लांट करेगा। और ये जो ना दोस्तों काफी जबरदस्त चीज रहेगी, और इसमें ऑब्वियसली ये चीज नहीं थी कि भाई कौन से फोन के लिए ये आ सकता है, मतलब 15 सीरीज के लिए आ सकता है, 16 सीरीज के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए। अब यहां पर ज्यादातर बोला जा रहा था कि भाई ये 15 सीरीज में हमें देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अब 15 सीरीज में काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई है, ऑलमोस्ट काफी सारा जो दोस्तों पता लग जाता है हमें कि किस तरीके का डिवाइस रहेगा। लेकिन यहां पर अभी तक टच आईडी से रिलेटेड खास तौर से 15 सीरीज में कुछ भी सुनने के लिए नहीं आया है। और एक और चीज ये है कि इसके जो डमी मॉडल्स है वो भी आ गए हैं और उसमें भी हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है कि भाई इसमें टच आईडी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन गाइज ये पेटेंट जो फाइल हुआ है ना इसको भी ऑब्वियसली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो गाइज इसके हिसाब से ऐसा पता लगा है कि ये जो पेटेंट है ये हमें तकरीबन 16 सीरीज या तो फिर 17 सीरीज में देखने के लिए मिल सकता है। तो यहां पर गाइज देखिए आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई 16, 17 मतलब 20 सीरीज तक ऑब्वियसली हमें एप्पल के हाई एंड फोन्स में टच आईडी का फीचर भी देखने के लिए मिल पाएगा। अब यहाँ पर गाइस देखिए मेरे हिसाब से तो काफी जबरदस्त चीज है, न्यूज भी काफी अच्छी है, क्योंकि टच आईडी जब दोबारा से फोन में आ जाएगा तो वो और ज्यादा बेटर बात हो जाएगी, एक लेवल और बढ़ जाएगा फोन सिक्योरिटी में। आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है आप मुझे जरूर से बताना कमेंट्स कॉलम में। और इसी तरीके से गाइस छोटी छोटी वीडियोस भी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कोई भी फ्लैगशिप फोन से रिलेटेड, तो यहाँ पर प्रॉपरली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बिना ज्यादा टाइम लिए। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखना, और बहुत शेयर करना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत जरूरत है इस चीज की। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।